Hello and welcome to GeoMind. In this video, we are going to discuss the paleontology questions that came in UPSC GSI prelims examination 2023. So, जैसे कि आपको पता है, paleo एक important subject है और इससे हर बार bulk में question पूछे जाते हैं. तो लगभग इस बार भी 13 से 14 questions paleontology से पूछे गए थे. तो उनको हम discuss करेंगे. Discuss करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि paleontology का course कंप्लीट कोर्स लॉन्च होने वाला है 6 मार्च से जियोमाइंड ऐप पे. तो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के. और वेट करिए, 2 से 3 दिन में ब्रोशर आ जाएगा और उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स पेलेंटोलॉजी कोर्स की मिल जाएंगी. ब्रीफली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लेक्चर्स रहेंगे वो प्री रिकॉर्डेड रहेंगे. ठीक है, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे उसमें और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी. पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेंगे. लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 30 to 40 मिनट्स रहेगी, ताकि आपको बोरियत फील ना हो. और हर एक लेक्चर में पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे. ठीक है, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे हम उस लेक्चर के जो भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज अभी तक आए हैं एग्जामिनेशन में, सच एज जीएसआई में, गेट में, जैम में, उनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर हम सेफलोपॉड पढ़ रहे हैं या ट्रायलोबाइट पढ़ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इन दोस लेक्चर्स. ओके, तो डाउनलोड करो ऐप, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो कि है कलादगी ग्रुप और सिमरी ग्रुप में कौन सा फॉसिल पाया गया है. ठीक है, तो इसका आंसर काफी लोगों को पता होगा, वो है कोलेनिया. कोलेनिया एक तरीके का स्ट्रोमेटोलाइट है. ओके, तो स्ट्रोमेटोलाइट जो होते हैं, बेसिकली ये लेयर्ड माउंड्स होते हैं सेडिमेंट्स के, जो साइनोबैक्टीरिया बनाता है. साइनोबैक्टीरिया एक तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसकी काफी इंपोर्टेंस है प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री ऑफ अर्थ में. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ था जिस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो साइनोबैक्टीरिया है. इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, और ये बेसिकली क्या करता है, एक तरीके का म्यूकस सिक्रीट करता है. ओके, इट सिक्रीट्स अ म्यूकस एंड इन दैट म्यूकस सेडिमेंट्स गेट ट्रैप्ड. और जब ये सेडिमेंट ट्रैप हो जाते हैं तो एक तरीके की ये लेयर बनाते चले जाते हैं और इन्हीं लेयर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट्स. ओके, तो कलादगी ग्रुप और विंध्यान, जो सिमरी है, सिमरी ग्रुप विंध्यान बेसिन के अंदर आता है. ये एक तरीके का क्या है, मीजो नियो प्रोटोजोइक बेसिन है, जिनको इंडिया में हम पुराना बेसिन भी कहते हैं. तो एक तरीके का ये स्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन भी है. ओके, तो पुराना बेसिन जो कलादगी बेसिन है वो धारवा और क्रेटोन से रिलेटेड है, और जो सेमरी ग्रुप है वो विंध्यान बेसिन के अंदर आता है. विंध्यान बेसिन सबसे बड़ा पुराना बेसिन है हमारा और ये बुंदेलखंड क्रेटोन के अंदर आता है. ठीक है, एक बेसिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन क्रेटोन एंड पुराना बेसिन और प्लेटफॉर्म बेसिन, वो ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास एक प्री कैम्ब्रियन स्टेबल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. ओके, और ये जो क्रस्ट होता है ये जनरली इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक का बना होता है. ओके, तो स्टेबल है प्री कैम्ब्रियन टाइम से, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेटोन. ठीक है, यानी कि इसमें प्री कैम्ब्रियन टाइम के बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है. और जब क्रेटोन के ऊपर प्रोटोजोइक सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो उन सेडिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म. ओके, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, हम पुराना बेसिन. तो याद रखना, बेसिन जब भी टर्म आता है वो सेडिमेंटरी रॉक्स के लिए कहा जाता है. ओके, और वो पार्ट क्रेटोन का जो कि एक्सपोज्ड है. ओके, दैट पार्ट ऑफ द क्रेटोन व्हिच इज एक्सपोज्ड इज नोन एज शील्ड. ओके, तो क्रेटोन का वो पार्ट जिसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शील्ड, जो कि एक्सपोज्ड है. ओके, तो इतना आपको आइडिया हो गया होगा.
देन देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉरिडेलियन लीफ फॉसिल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने इसको ढंग से नहीं बनाया है। ठीक है, इसमें दो आंसर हो सकते हैं, एक हो सकता है कॉर्डेट्स और एक हो सकता है क्लैडोफ्लिबिस। ओके, अब बेसिकली क्या है, कॉरिडेलियन लीफ फॉसिल गोंडवाना जो टॉपिक है, गोंडवाना लीफ फॉसिल सॉरी गोंडवाना फॉसिल्स जो टॉपिक है उससे लिया गया है क्वेश्चन। तो कॉर्डेटेल्स बेसिकली एक तरीके का कॉनिफर होता है और कॉनिफर ऑर्डर होता है। ओके, और इन ये तीनों जो है कॉर्डेट्स माइग्रोथियोप्सिस एंड यूरिफाइलम, ये तीनों क्या है कॉर्डेटेल्स के अंदर आते हैं। ओके, ये आपको पीसी जैन में मिल जाएगा। अब इसमें इन तीनों ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शंस यूरिफाइलम एंड नाइग्रोथियोप्सिस दे बोथ आर लीव्स। ओके, दे बोथ आर लीव्स। तो और ये जो कॉर्डेट्स है ये पूरा का पूरा ट्री है, बट है तीनों के तीनों कॉर्डेटेलियन के अंदर। क्लैडोफिलिबिस इज नॉट कमिंग अंडर योर कॉर्डेटेल्स। ओके, इट्स बेसिकली अ फर्न। ठीक है, फर्न लीफ है। तो वैसे देखा जाए तो टेक्निकली आंसर तो क्लैडोफिलिबिस है बिकॉज इट इज नॉट अ कॉर्डेटेलियन फॉसिल, लेकिन लीफ फॉसिल भी क्या हो गया है तो कॉर्डेट्स भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आई डोंट नो किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पीसी जैन के अंदर कॉर्डेटेल्स के अंदर आपको नाइग्रोथियोप्टिस मिल जाएगा जो कि बेसिकली लीफ है। ओके, कॉर्डेट्स इज अ टॉल फॉरेस्ट ट्री। ओके, देन यूरिफाइलम इज ऑल्सो अ लीफ। ओके, देन इट डायडॉक्सिलोन। ओके, ये स्टेम होता है। ओके, इट इज अ स्टेम ऑफ कॉर्डेट्स एंड नियोग्रेथियोप्सिस। ओके, एंड देन देयर इज समारास्पिस व्हिच इज बेसिकली अ सीड। ओके, कॉर्डेटियन सीड। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समारास्पिस पूछ दिया जाएगा कि समारास्पिस इज वॉट, और कॉर्डेटियन सीड, कॉर्डेटियन लीफ और अ स्टेम। ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा वो क्लैडोफिलिबिस होगा। ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पेलियो क्लाइमेट एंड फॉरम्स। तो ये माइक्रोफॉसिल के अंदर भी आपका आ जाएगा। ओके, तो फॉरम्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेल 18 जो होता है ये बेसिकली रेशियो होता है ऑफ हैवियर एंड लाइटर ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो लाइटर ऑक्सीजन होता है वो 99% के आसपास हमारे अर्थ में है, और जो है जो हैवियर ऑक्सीजन होता है यानी कि ऑक्सीजन 18 वो बहुत ही कम होता है। तो इन दोनों का रेशियो लिया जाता है। ओके, और उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, आइसोटोपिक रेशियो ऑफ डेल्टा 18। तो एक आइडिया आपको ये होना चाहिए कि अगर डेल्टा 18 ज्यादा है और कम है उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ में ग्लेशियल पीरियड रहा होगा या इंटरग्लेशियल पीरियड रहा होगा। ओके, अब ये कम ज्यादा किस में, ये सैंपल में। ठीक है, तो सैंपल अलग 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 तरीके के हो सकते हैं, सेडिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, उसी तरीके से माइक्रोफॉसिल्स हो सकते हैं। तो उसमें से माइक्रोफॉसिल एक हमारा फोरामिना फेरा होता है। ओके, तो ये जो माइक्रोफॉसिल होता है ये ओशन में आपको मिलेगा। ठीक है, फोरम्स ओशन में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ओशन के जो ओशन वाटर में जिस तरीके का ऑक्सीजन होगा उस तरीके का आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो शेल होता है फोरामिना फेरा का वो इनकॉर्पोरेट करेगा ऑक्सीजन आइसोटोपिक रेशियो को। ओके, और उसी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ में इंटरग्लेशियल पीरियड रहा होगा या ग्लेशियल पीरियड रहा होगा। ओके, तो होता क्या है, बेसिकली आपके पास दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16। तो जनरली जब ग्लेशियल पीरियड चलेगा इसका मतलब क्या है कि आइस आपकी ज्यादा बनेगी, ग्लेशियर्स ज्यादा बनेंगे, है ना। अब ग्लेशियर्स ज्यादा कब बनेंगे, जब आपके बारिश ज्यादा होगी। ओके, यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा ओशन से। ओके, अब ओशन से इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन में कौन सा ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होगा, ऑब्वियसली लाइटर वाला। ठीक है, अब जो ये लाइटर ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होगा ये बादलों में जाएगा, वहां से बारिश होगी और आपका ग्लेशियर बनेंगे। ठीक है, अब ग्लेशियर जब बनेंगे तो उसमें ऑक्सीजन 16 का रेशियो ज्यादा रहेगा, है ना। और वहीं सीज में ऑक्सीजन 18 का रेशियो ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि सी विल बी डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन 16 एंड इट विल हैव हायर देन नॉर्मल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 18।
ऑक्सीजन 18 का रेशियो ज्यादा रहेगा, तो यानी कि इसके इस सी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं इस ओशन वाटर में, उसके अंदर भी, उन शेल्स के अंदर भी, फॉरम्स के शेल्स के अंदर भी ऑक्सीजन 18 ज्यादा होगा, है कि नहीं? ठीक है, सिंपल सी बात। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई फॉरम्स मिल रहा है और उसका शेल में आइसोटोपिक रेशियो ऑफ O18 इज मोर, इट मींस दैट दैट टाइम वुड हैव बीन अ ग्लेशियल पीरियड, है ना? उस समय ग्लेशियल पीरियड ज्यादा रहा होगा। वहीं अगर मुझे शेल्स में ऑक्सीजन 16 का रेशियो ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि दैट टाइम वुड हैव बीन इंटरग्लेशियल टाइम। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, पेलियोक्लाइमेट में। तो इंटरग्लेशियल टाइम में क्या होगा, फॉरम्स के अंदर, फॉरम्स के शेल्स के अंदर ऑक्सीजन 16 का रेशियो ज्यादा रहेगा, यानी और यू कुड से कि ऑक्सीजन 18 का रेशियो कम रहेगा, है ना, स्टैंडर्ड से। वहीं ग्लेशियल पीरियड में ऑक्सीजन 18 का रेशियो ज्यादा रहेगा स्टैंडर्ड से। ओके, तो क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है। ओके, सो दिस इज द, ये फॉर्मूला काफी लोगों को पता होगा। ओके, तो स्टैंडर्ड से इस रेशियो को नापा जाता है, उसके रिस्पेक्ट में नापा जाता है। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन दिखाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉरम्स इन अंडरस्टैंडिंग ओशनोग्राफी एंड पेलियोक्लाइमेट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, स्टेबल ऑक्सीजन आइसोटोप कंपोजिशन ऑफ प्लैंकटिक फॉरमिनिफेरा डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ द एम्बियंट ओशन वाटर। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो प्लैंकटिक फॉरमिनिफेरा होता है, ये फ्री स्विमिंग फॉरम्स होते हैं जो कि ओशन में रहते हैं, और इनका शेल्स जो है वो डिपेंड करता है कि उस समय के ओशन वाटर का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, आइसोटोपिक रेशियो कैसा है। तो ये तो करेक्ट है, ओके, नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द ओशन गेटवेज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम बायोजियोग्राफिक स्टडीज ऑफ प्लैंकटिक फॉरमिनिफेरा, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ड्यूरिंग ग्लेशियल स्टेजेस द डेल्टा 18 ऑफ बेंथिक फॉरमिनिफेरा शोज लोअर वैल्यूज। ओके, ड्यूरिंग ग्लेशियल स्टेजेस द डेल्टा 18 ऑफ बेंथिक फॉरमिनिफेरा शोज हायर वैल्यूज। तो यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट है, किसका, ग्लेशियल पीरियड वाले में। ओके, इंटरग्लेशियल में क्या होगा, ऑक्सीजन 16 ज्यादा होगा, और ग्लेशियल में क्या होगा, ऑक्सीजन 18 ज्यादा होगा। ओके, सो ड्यूरिंग ग्लेशियल स्टेजेस द डेल्टा 18 ऑफ बेंथिक फॉरमिनिफेरा शोज लोअर वैल्यूज। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है ना, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। ओके, क्योंकि ग्लेशियल स्टेजेस में डेल्टा 18 जो है वो हायर वैल्यूज शो करेगा, क्योंकि जो 16 है, O16 है, वो तो इनकॉर्पोरेट हो चुका है ग्लेशियर्स में, है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये सी स्टेटमेंट हमारा सही होगा, है ना? देन देर इज अ क्वेश्चन विच इज द ऑस्ट्रोकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर पैलियोकोपिडा डोमिनेटेड द पेरियोजोइक बट वर ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट एट द एंड ऑफ द परमियन, दे आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द लोन एरिगमेटिक जीनस। तो इसका आंसर है मनावा। ये भी काफी डीप क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रोकॉर्ड बेसिकली क्रस्टेशंस होते हैं, ओके, और ये मैंने एक्सेप्ट लिया गया एक बुक से जिसमें क्या क्या है लिखा गया है, मनावा द कैरापास इज लेस देन 1 मिलीमीटर लॉन्ग। ओके, तो ये हम पढ़ते हैं, पेलियोकोपिड्स आर कन्फाइंड टू द पेलियोजोइक एंड लोअर ट्रायसिक विद द एक्सेप्शन ऑफ द सुपर फैमिली कर्कबाशिया हुज मेंबर्स आर नोन फ्रॉम द टर्शियरी जापान एंड रीसेंट सेडिमेंट्स ऑफ द ईस्टर्न शेल्फ। ठीक है, तो इन द लिविंग जीनस मनावा, ठीक है, तो इसका सोल लिविंग जीनस कौन सा है, मनावा है। ओके, तो ये तो रटने वाली चीजें हैं, अगर आपको ये आपने पेलियोकोपिड्स के बारे में इसको पढ़ा होगा तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिया गया है ब्रेजियर की एक बुक है माइक्रोफॉसिल की, वहां से ये स्क्रीनशॉट लिया गया। ठीक है, देन देयर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्ली हॉर्सेस वाज ग्रेजर। ठीक है, तो ग्रेजर का मतलब क्या होता है कि जो घास खाने वाला होता है। ओके, इफ देयर इज ग्रास एंड इफ एनिमल इज ईटिंग द ग्रास देन दैट एनिमल इज नोन एज ग्रेजर। ठीक है, अगर कोई एनिमल फूल पत्ती खा रहा है, ठीक है, फ्लावर्स लीव्स खा रहा है, ओके, इफ एन एनिमल इज ईटिंग फ्लावर्स लीव्स देन दैट एनिमल इज नोन एज ब्राउजर। ठीक है, तो ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेट्स सी,
तो यहाँ पे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपको लीव्स देखने को मिल रही होंगी, ठीक है, और कहीं पे आपको ग्रास देखने को मिल रही होगी। ग्रास, ठीक है। तो एज यू नो ग्रास केम लेटर, ठीक है, और ग्रास इज हार्डर टू च्यू, है ना, लीव्स आर सॉफ्ट एंड ग्रास इज हार्डर टू च्यू। तो इतना आइडिया तो आपको हो गया कि क्योंकि ग्रास हार्डर है च्यू करने के लिए, इट मीन्स दैट द हॉर्सेस नीड मोर स्ट्रॉन्गर टीथ्स, और स्ट्रॉन्गर टीथ्स हॉर्सेस के, अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्गर टीथ्स जो है हॉर्सेस के वो बाद में इवॉल्व हुए थे, है ना। अब यहाँ पे आपको ठीक है, जो डॉन हॉर्स है, हेराकोथीरियम, ओरोहिप्पस, एपिहिप्पस, ये सब ब्राउजर है, ठीक है, पैराहिप्पस तक ब्राउजर है। अच्छा, मैरिचिप्पस जो है वो ट्रांजिशन है बेसिकली, ठीक है। मैरिचिप्पस क्या थे, ब्राउजर भी थे और घास खाने वाले भी थे, ठीक है, ब्राउजर भी थे एंड घास खाने वाले भी थे। अब उसके आगे है प्लायोहिप्पस। सो प्लायोहिप्पस वर कंप्लीटली प्योरली ग्रेजर्स, ओके, ये आपको दिख रहा है, प्योरली एंड कंप्लीटली ग्रेजर्स, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, प्लायोहिप्पस। तो आंसर विल बी प्लायोहिप्पस, ठीक है। मीजोहिप्पस, पैराहिप्पस, हिराकोथीरियम, ये सारे के सारे क्या थे, ब्राउजर थे, ब्राउजर, ओके। तो आपको दिख रहा है यहां पे मीजोहिप्पस, हिराकोथीरियम, ठीक है, मायोहिप्पस, पैराहिप्पस, दीज ऑल आर ब्राउजर्स, ओके। तो क्वेश्चन ये भी फॉर्म किया जा सकता है कि विच हॉर्स वॉज ट्रांजिशनल बिटवीन ब्राउजर एंड ग्रेजर, ठीक है। तो मैरिचिप्पस जो था एक ट्रांजिशन था बिटवीन ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्लेड द मोस्ट डोमिनेंट रोल ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ एटमोस्फेयर एंड डिफाइनिंग द प्रेजेंट डे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर। तो इसका आंसर आपको पता है, मैंने जो स्टोमेटोलाइट के बारे में जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको बताया कि साइनोबैक्टीरिया ने जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करना शुरू किया तो हमारे अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन की कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। सो दैट वाज अ डिफाइनिंग पीरियड। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजेनिक स्ट्रक्चर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज बायो इरोजन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बायो इरोजन स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपको पता है स्टोमेटोलाइट तो है नहीं, ठीक है, दूसरा है फीकल पैलेट, फीकल पैलेट भी नहीं है, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन है हमारे पास, बोरिंग एंड बरो, ओके, बोरिंग एंड बरो। सो बरो हो सकता है लेकिन इसका पॉसिबल आंसर जो है बोरिंग होता है, ठीक है, क्योंकि बोरिंग में क्या होता है, एनिमल ड्रिल करता है, ओके, इनटू द स्ट्रक्चर, इनटू द रॉक, ओके, एक्टिवली, ओके। तो मोस्ट पॉसिबल आंसर विल बी बोरिंग, ओके। ठीक है, तो जनरली क्योंकि बरो रिलेटेड है सॉफ्ट सेडिमेंट से, ठीक है, और बोरिंग रिलेटेड है हार्ड से, ठीक है। तो जब जनरली बायो इरोजन को माना जाता है तब जब हार्ड कोई सब्सट्रेट है और उसको कोई ऑर्गेनिज्म ड्रिल कर रहा है एक्टिवली, ठीक है, उसको हम बायो इरोजन स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके। ओके, द ओल्डेस्ट नोन बर्ड फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम लेट जुरासिक ऑफ जर्मनी, ओके, लेट जुरासिक ऑफ
जर्मनी। तो ये हमारा फॉसिल है, काफी फेमस, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, इट वॉज बेसिकली दी ट्रांजिशन बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर्स। ओके, सो इट वॉज फाउंड इन जर्मनी। जर्मनी में एक जगह है सोलहोफन, कुछ इस तरीके से है, लाइमस्टोन, तो उसमें ये फॉसिल पाया गया है। ओके, ऑलराइट, सो हियर इज आर्कियोपेरिक्स। ठीक है, और ये है आपका लेट जुरासिक। देन देयर इज स्पीशिएशन अकरिंग इन प्लांक्टिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लैंड बैरियर क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ सम ओशन गेटवेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है स्पीशिएशन चार तरीके के होते हैं, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। ठीक है, एलोपैट्रिक वो स्पीशिएशन होता है कि अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, उनमें से 50-50 स्पीशीज जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल बैरियर। ठीक है, ये बैरियर कुछ भी हो सकता है, रिवर हो सकता है, ठीक है, माउंटेन रेंज हो सकती है, एनीथिंग। ओके, और उस बैरियर के कारण क्या होता है, ये जो पॉपुलेशन है वो आइसोलेटेड हो जाती है इन अ 50-50 मैनर, एंड देन दे इवॉल्व डिफरेंटली। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। ठीक है, पेरीपैट्रिक भी एक तरीके का क्या होता है, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन होता है, लेकिन इसमें एक स्मॉल पॉपुलेशन जो होती है वो आइसोलेटेड हो जाती है। ओके, एट द एज ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, उसी तरीके से पैरापैट्रिक होता है जिसमें क्या होता है, देर इज नो फिजिकल बैरियर एंड विद इन द पॉपुलेशन देर इज रैंडम, यू कुड से जेनेटिक म्यूटेशन। ओके ओके, उसी तरीके से सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेक्चर्स में। ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रैकियोपॉड विद स्ट्रॉफिक शेल्स। ओके, तो ब्रैकियोपॉड जो होते हैं वो अगर उनकी हिंज लाइन स्ट्रेट रहती है देन दे आर नोन एज स्ट्रॉफिक, एंड इफ हिंज लाइन इज नॉट नॉट स्ट्रेट देन दे आर नोन एज नॉन स्ट्रॉफिक। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है विस्बेला। ठीक है, विस्बेला इज बेसिकली ऑर्थिडा ऑर्डर के अंदर आता है। ओके, सो इट इज अ सिल्यूरियन ब्रैकियोपॉड विद अ स्ट्रॉफिक शेल। ठीक है, तो ये आपकी हिंज लाइन आपको दिख रही है, एकदम स्ट्रेट है। ओके, बाकी सबकी क्या होती है, कर्व्ड होती है, शॉर्ट एंड कर्व्ड। ठीक है, जैसे टेरिप्लेटल की हिंज लाइन जो है दैट इज शॉर्ट एंड कर्व्ड। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेमेलिब्रैंक जेनरा इज नॉट फाउंड इन रिसेंट टाइम। ओके, तो लेमेलिब्रैंक आर योर पेलेसिपॉड्स। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है ये अमलदास गुप्ता से लिया गया है। ओके, ग्राइफिया एक्सोजाइरा, ठीक है, हिप्योराइट्स बिकेम एक्सटिंक्ट आफ्टर क्रिटेशियस। ओके, तो एक्सोजाइरा इज द आंसर। ओके, दे ऑल आर लिविंग जीनस। ठीक है, एक्सोजाइरा हमारा एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हिंज लाइन का कॉन्सेप्ट। ओके, एवरी जियोलॉजिकल एरा, ठीक है, तो इसमें आपको मैच करना है। तो कोनोडॉन्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, और इनके टीथ्स जनरली फॉसिल्स के तौर पे लिए जाते हैं, बिकॉज इसका जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो ऑब्वियसली डिके हो जाएगा, प्रिजर्व नहीं रहेगा। तो इसके जो टीथ्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कॉनिफॉर्म टीथ होते हैं। ठीक है, तो कोनोडॉन्ट जो होता है वो CAI, ठीक है, कोनोडॉन्ट अल्ट्रेशन इंडेक्स, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड जब आपको कोई स्टडी करनी होती है तो इसमें इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कोनोडॉन्ट्स जो होते हैं वो कैम्ब्रियन से लेके लेट ट्राइसिक तक इनकी रेंज है। ठीक है, लेट कैम्ब्रियन टू लेट ट्राइसिक। लेट ट्राइसिक, ओके, तो ये तो आपको पता है कि कोनोडॉन्ट पेलियोजोइक के हैं।
ठीक है, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेंस रेंज इज कमिंग अंडर पेलियोजोइक, तो सी इज वन, सो आइदर इट इज ए और आइदर इट इज सी। ठीक है, सेफलोपॉड्स आपको पता है कि मीजोजोइक में फ्लरिश किए हैं, ठीक है, बी फोर। अब बचा आपका लार्जर फोरामिनिफेरा एंड प्लांटिक फोरामिनिफेरा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मतलब इसका जो रेफरेंस है वो नेट से भी मैं निकाल सकता था, ठीक है, बट नेट से मैंने इसलिए नहीं निकाला बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, मोस्ट क्या, सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, है ना, आप नेट से क्या ही पढ़ोगे, ठीक है, कितना टॉपिक पढ़ लोगे, तो टेक्स्ट बुक से आप पढ़ोगे, तो टेक्स्ट बुक से मैंने एक्सेप्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोरामिनिफेरा में जो प्लैंक्टोनिक ग्रुप होता है वो ग्लोबर जेरिनिडा होता है, ठीक है, जुरासिक टू रिसेंट का, यानी कि जुरासिक से पहले फोरेम्स वर बेंथिक, ठीक है, आफ्टर ड्यूरिंग द जुरासिक द फोरेम्स स्टार्टेड टू बिकम प्लैंक्टिक। ओके, प्लैंक्टिक मतलब स्विमर्स। ओके, स्विमर्स कहने का मतलब क्या है कि दे स्टार्टेड लिविंग इन द फ्री ओशन, ओके, नॉट एक्टिव स्विमर्स बट दे स्टार्टेड लिविंग इन द फ्री ओशन। ओके, और बेंथिक क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट पे रहते हैं, तो बेंथिक आर जनरली लार्जर फोरेम्स, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट पे रहते हैं। ओके, और प्लांटिक आर फ्री। ओके, सो लार्जर बेंथिक, बेंथिक, ठीक है, ये सारे आपके ऑर्डर हैं। ओके, तो वैसे तो फोरेम्स कैम्ब्रियन से चले आ रहे हैं, लेकिन जो आपका प्लांटिक फोरामिना फेरा है वो जुरासिक से स्टार्ट होता है। ओके, अब ये एक बुक से एक्सेप्ट लिया गया है, द इनफॉर्मली नोन लार्जर बेंथिक फोरामिना फेरा हैड इवॉल्व्ड रिपीटेडली इन द लेट पेलियोजोइक एंड क्रिटेशियस, अपीयर्ड अगेन इन ग्रेट अबंडेंस एंड विद वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द पेलियोजिन। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो होगा लार्जर फोरामिनिफेरा इन द पेलियोजिन, यानी कि D3। ओके, सो द आंसर विल बी ए एंड प्लांटिक फोरामिनिफेरा इन द नियोजिन। ओके, तो ये भी आपका ब्रेजर में दे रखा है। ठीक है, तो ब्रेजर में एग्जैक्ट नहीं दे रखा है कि भाई नियोजिन में ही है आपका प्लांटिक फोरामिनिफेरा फ्लरिश हुआ, लेकिन आप डाइवर्सिटी देख सकते हो कि ठीक है, ओलिगोसीन म्योसीन में, म्योसीन प्लियोसीन में आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा हो गई थी प्लांटिक फोरामिनिफेरा की। ओके, ओके, सो देर आर मेनी वेज टू एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन फॉसिल्स इंक्लूडिंग पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड फिलेटिक ग्रेजुअलिज्म। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है ट्रायलोबाइट के केस में। ठीक है, तो इसमें देखो, एक आप अपना इंट्यूशन भी लगा सकते हो कि भाई हर जगह फिलेटिक ग्रेजुअलिज्म, फिलेटिक आर्क है और पंक्चुएटेड इसमें है। ठीक है, तो आंसर तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है वो बाद की थ्योरी है। ओके, इट वॉज गिवन बाई गोल्ड एंड स्टीफन गोल्ड एंड नाइल्स एल्ड्रिज 1970, उससे पहले फ्लूइडिक ग्रेजुलम चला रहा है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि इवोल्यूशन के केस में दो तरीके की स्टडीज की जाती हैं, एक होता है फ्लूइडिक ग्रेजुलिज्म, एक होता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ठीक है, फ्लूइडिक ग्रेजुलिज्म बेसिकली क्या कहता है कि जो इवोल्यूशन होता है वो स्लो होता है, स्टडी पेस पे होता है, यानी कि ग्रेजुअल होता है। ठीक है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि भाई इवोल्यूशन होता है लेकिन एकदम से स्पीशीज इवॉल्व होगी, ठीक है, कुछ टाइम में, और फिर वो स्टेबल रहेगी, फिर एकदम से इवॉल्व होगी, फिर स्टेबल रहेगी। फ्लूइडिक ग्रेजुअलिज्म क्या कहता है कि धीरे धीरे स्टेडी पेस पे इवोल्यूशन होता जाता है। ठीक है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में क्या कहता है कि भाई लेट से कि ट्रायलोबाइट जो है, ट्रायलोबाइट की स्पाइनोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, कैम्ब्रियन से लेके परमियन तक, वो स्पाइनोसिटी क्या कर रही है, लेट्स से कि 1 मिलियन ईयर्स के अंदर ही इवॉल्व हो जाती है, फिर वो स्टेबल रहता है फॉर लाइक 100 मिलियन ईयर्स। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअलिज्म क्या कहता है कि स्पाइनोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ओवर द कोर्स ऑफ 50 मिलियन ईयर्स और 100 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो जनरली फ्लेटिक ग्रेजुअलिज्म को
कॉन्सेप्ट को इंपोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। ओके, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां स्टडी की गई है, जैसे एक फैकप्स स्पीशीज है, ठीक है, जीनस है पता नहीं, ट्रायलोबाइट का, फैकप्स राणा, ठीक है। तो फैकप्स राणा पे स्पीशीज की, सॉरी, फैकप्स राणा पे स्टडी की गई है, और वहां पे पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का केस आता है। ओके, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल सम फॉसिल ग्रुप में स्टडी की गई है, जैसे ग्राफिया है जो है, ठीक है, इट इज अ केस ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपका ब्रैकेपॉड जो है, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेप्टोलाइट्स में मोनोग्रेप्टस जो है वो पंक्चुएटेड एनाजेनेसिस, ठीक है, एक ब्रायोजोआ है आपका मेटरब, ठीक है। जनरली फिलेटिक ग्रेजुलम को ग्रेजुलिज्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज एक्सोगैस्ट्रिक सेफलोपोडा एक्सिबिट्स वेंटर ऑन द आउटसाइड ऑफ द डोर्सम, वेंटर ऑन द इनसाइड ऑफ द डोर्सम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई वेंटर क्या होता है, ठीक है। वेंटर बेसिकली सेफलोपॉड्स के अंदर होता है, जब आप सॉरी अमोनाइट्स पढ़ोगे, ठीक है, और उसमें देखोगे कि अमोनाइट्स और आपके नॉटिलस जो होते हैं वो यूज करते हैं आपका जेट प्रोपल्शन टू टू बेसिकली स्विम अक्रॉस द ओशन, ठीक है, अक्रॉस द सॉरी सी, ओके, सी वाटर, ओपन ओशन। तो उसमें एक टर्म होता है हाइपोनोमिक साइनस, ठीक है, ये एक इंडेंटेशन होता है, ठीक है। तो जिस साइड में हाइपोनोम होगा उस साइड को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड, ठीक है, और जिस उसके ठीक अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, डोर्सल साइड, है ना। यानी कि जिस साइड में हाइपोनोमिक साइनस होगा, ठीक है, उस साइड को हम क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड, और जिस साइड ठीक उसके अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, डोर्सल साइड, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि जनरली जो आपका सेफलोपॉड, और ये सिर्फ कर्व्ड उसमें होगा, है ना, कर्व्ड शेल में होगा, ठीक है। तो जहां कर्व नहीं होगा वहां ये डोर्सल और वेंट्रल वाला लागू नहीं होगा, ठीक है। तो अब हाइपोनोमिक साइनस या तो कॉन्केव वाली साइड भी होगी या कॉन्वेक्स वाली साइड भी होगी शेल के, है ना, ये कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्केव, ओके। तो वेंटर क्या होता है, बेसिकली वेंटर वही वाला रीजन होता है जो कि वेंट्रल रीजन, जो मतलब वेंट्रल रीजन में आता है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरी को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरी को हम क्या कहते हैं, वेंटर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वेंटर, ओके। तो एंडोगैस्ट्रिक में क्या होता है, दीज आर क्वाइल्ड और कर्व्ड शेल्स हुज डोर्सल साइड इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो एंडोगैस्ट्रिक हैज डोर्सल साइड कॉन्वेक्स, एक्सोगैस्ट्रिक विल हैव डोर्सल साइड कॉन्केव एंड वेंटर इज कॉन्वेक्स, है ना। ये वेंटर जो है ये क्या है, कॉन्वेक्स है, जो कि पेरिफ्री बनाता है बेसिकली वेंट्रल साइड की, उसको हम वेंटर कहते हैं, ओके। तो अब आपको समझ आ गया होगा, वेंटर ऑन द आउटसाइड डोर्सम, सॉरी एंटी डोर्सम ऑन द इनसाइड ऑफ द कॉइल, ओके। तो एक्सोगैस्ट्रिक है हमारा, तो इसमें वेंटर है एट डोर्सल इनसाइड है, ठीक है। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है, वेंटर ऑन द इनसाइड एंड डोर्सम ऑन द आउटसाइड ऑफ द कॉइल। तो वेंटर इनसाइड है, डोर्सम आउटसाइड है, तो ये तो एंडोगैस्ट्रिक होगी, तो आंसर विल बी ए, ठीक है, वेंटर ऑन द आउटसाइड। दिस इज एक्सोगैस्ट्रिक, राइट, वेंटर इज द पेरिफेरी ऑन द वेंट्रल साइड, इसको हम वेंटर कहते हैं, ओके। और वेंट्रल साइड वो होती है जिस साइड हाइपोनोमिक साइनस होती है, ठीक है। अब हाइपोनोमिक साइनस क्या होता है वो हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पे वेंटर क्या है, आउटसाइड है ना, टू द कॉन्वेक्स पार्ट, आउटसाइड ऑफ द कॉइलिंग, ये कॉइलिंग होगी, तो वेंटर इज द आउटसाइड,
ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज अ मिडिल प्लेस्टोसीन होमिनिन स्पीशीज. तो चार दे रखे हैं, ठीक है. हाइडलबर्गनेसिस इज द आंसर, ये रटने वाला आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है. तो प्लेस्टोसीन आपको पता है इज फ्रॉम 2.6 मिलियन ईयर्स टू अराउंड 11,600 ईयर, इसके बीच आपका प्लेस्टोसीन आता है ना. तो होमो हाइडलबर्गनेसिस इज मिडिल प्लेस्टोसीन. ओके, दिस इज द करेक्ट, ठीक है. तो ये जो आपको दिख रहा है, होमो हाइडलबर्गनेसिस बेसिकली वॉज द लिंक बिटवीन होमो सेपियंस एंड एंड नियंडरथल्स. ओके, सो इट वॉज इन मिडिल प्लेस्टोसीन, ठीक है. ये प्लेस्टोसीन है आपका 2.6 मिलियन ईयर से लेके आपका 11,600 और 700 ईयर्स. तो मिडिल कहां पे आएगा आपका, यहां पे आएगा समवेयर अराउंड 7 लाख ईयर्स. ओके, ठीक है. तो ये आपका होमो हाइडलबर्गनेसिस. ओके, तो बाकी स्पीशीज हम देखते हैं. ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनामेंसिस. ओके, तो और जो अनामेंसिस था वो 3 से 4 मिलियन ईयर्स में, ठीक है. वहीं पैरेंथ्रोपस रोबस्टस, तो पैरेंथ्रोपस रोबस्टस जो था ये, ठीक है, वो 2 मिलियन ईयर्स, ठीक है. फिर होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस आपका सबसे ऊपर, ये तो आपको बताइए. तो इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, देन दिस, दिस, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो नीचे कमेंट करिए, और लिंक से ऐप को डाउनलोड करना ना भूलना. 6th से हम पेरेंटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको बहुत सारे विजुअल्स देखने को मिलेंगे और उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा. सो टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड गुड बाय.